दिस इज अनस खालिद एंड वेलकम टू अवर चैनल के एफ सॉल्यूशन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ने 1785 में कूलम्स लॉ ने अपना ये लॉ पेश किया, और ये जो लॉ था ये असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में था। तो 1785 में कूलम्स लॉ ने अपना ये लॉ पेश किया, और साइंसदान का जो पूरा नाम था वो था चार्ल्स कूलम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि उसने क्या बयान अपना दिया था। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखने लगे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब यहां पर सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी चार्ज की प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है चार्ज की कि हमेशा अनलाइक चार्जेस, मतलब जो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ कशिश करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों की फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान में होगी। ठीक है, इसी तरह और हमने पढ़ा हुआ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है कि दो नेगेटिव, मतलब दो लाइक चार्जेस को, एक जैसे चार्जेस को हमेशा वो रिपेल करते हैं। मतलब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ना कि अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज है। इसी तरह फर्ज करें पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये चार्ज की ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो है इन्हें ज़हन में रखना है, इन्हीं को आगे हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फिगर बनाते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी फिगर देखें, यहाँ पे है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और एक और चीज ज़हन में रखिएगा कि ये जो इनके दरमियान में फोर्स होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक है, ये एक बेसिक फोर्स ऑफ नेचर होती है। कभी आपने देखा हो मैग्नेट, दो मैग्नेट जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या कोई चीज आपको फोर्स उनमें अट्रैक्शन की नजर आ रही होती है, कोई फोर्स नजर आपको नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वो होती है बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। क्या चीज है बेसिक, ये आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। अब ये इस तरह की फोर्स होती है कि जो हमें नजर नहीं आती, जिसका ओरिजिन जो होता है अननोन होता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो क्या होती है, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर। जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स है वो भी आपके पास क्या है, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये भी आपके पास क्या है, बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। तो अब यहाँ पे ये है मेरे पास Q1 चार्ज और ये है मेरे पास Q2 चार्ज, इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस है, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है ये है मेरे पास आर डिस्टेंस। यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस क्या है, आर, लेट्स सपोज कर लिया। ठीक है, आर डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान में, और ये दोनों के दरमियान देखो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे ये F2, इनके दोनों एक दूसरे को जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब हमने यहाँ से कूलम लॉ की जो स्टेटमेंट है यहीं से हमने चीजों को ड्राइव करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यहीं से हमने चीजों को ड्राइव करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप
ये फिगर को यहीं पे बना रहने थे, तो यहाँ पे देखें आपने ये पढ़ चुके हैं, ये देखें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, अच्छा ये पॉइंट का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, पॉइंट चार्ज असल में एक ऐसा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी होती है, और एक और इसके बारे में आप कॉन्सेप्ट जेहन में रखिएगा, पॉइंट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज होता है, ठीक है, पॉइंट चार्ज एक बहुत ही छोटा चार्ज होता है, टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब हमने देखा है कि इनको फोर्स जो है, ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, रिपल्शन उस सूरत में होगी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लूँ, पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे लूँ, मतलब ये देखो कि यहाँ भी मैंने क्या लिया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे जो फोर्स होगी ये क्या होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब दोनों की फोर्सेस के मैंने साइन किधर कर दिए ऑपोजिट 180 के एंगल पे ऑपोजिट, तो दोनों के एंगल क्या हो गए ऑपोजिट हो गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मेरे पास एक चार्ज क्या था Q1, दूसरा चार्ज Q2, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Q1 इनटू Q2, ठीक है, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, मसावाद नंबर 1। अच्छा अब ये देखें कि अगर आपके पास ये डिस्टेंस, आपने पढ़ा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैग्नेट जो है, जब हम दो मैग्नेट्स को आपस में करीब करीब लेके आते हैं तो वो फौरन से एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब फासला कम तो उन्होंने फौरन से एक दूसरे, फोर्स ज्यादा हुई दोनों को ने एक दूसरे को फौरन से अट्रैक्ट कर लिया, और जैसे जैसे दूर जाते गए तो वहां पे क्या होता जाएगा कि आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी और वो एक दूसरे को जल्दी से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब यहाँ पे आपको एक चीज शो भी हो रही है कि अगर जिनके आर ज्यादा, अगर आर ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम होगी, और अगर आर कम तो फोर्स भी क्या होगी फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, दोनों को, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो। अब ये देखो दोनों इक्वेशन की आप लेफ्ट साइड को देखो, सॉरी राइट साइड को देखो, राइट साइड यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी क्या है एफ है, तो दोनों की राइट साइड सेम है तो हम एफ ही लिख देंगे, तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो Q1 Q2 ओवर में आर स्क्वेयर आ गया, ठीक है। जब भी आपने देखा कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना होता है तो आपको इक्वेलिटी लगानी पड़ती है और साथ कोई भी एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है कि एक यूनिवर्सल रूल है, तो यहाँ पे अब हम करते हैं आगे से, और यहाँ पे है k is equal to constant of proportionality, और इसकी वैल्यू भी जो है वो हर जगह पे कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम का स्क्वेयर। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि जी यहाँ पे ये जो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर आया है ये यूनिट किस तरह से डिराइव हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक क्वांटिटीज जो हैं उनके यूनिट याद होने चाहिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल कि फोर्स जो है इसका यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज जो है इसका यूनिट क्या है कूलम, और ये आर, आर कोई भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं यूनिट ऑफ के किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखें आप यूनिट ऑफ के, तो यहां पे आप यूनिट ऑफ के फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप फाइंड करेंगे। अब यहां पे देखें सबसे पहले आपने जो फाइनल फॉर्म निकाली थी वो क्या थी, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर में आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें यहां पे सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे किस तरह से, ये देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाके दूसरी साइड पे इक्वल के डिवाइड हो जाएंगे, तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बराबर आ जाएगी एफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ओवर में क्यू वन क्यू टू, ओके।
उसके बाद यहां पे देखिए फोर्स का यूनिट जो है ये किसके बराबर होता है, न्यूटन, और आर का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर के ऊपर स्केल है, तो आर के ऊपर स्केल है तो मीटर के ऊपर भी क्या आएगा, स्केल आएगा। उसके बाद यहाँ पे Q1 का यूनिट भी कूलम और Q2 का यूनिट भी है कूलम, तो कूलम डॉट कूलम, तो यहाँ पे K बराबर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। मीन हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू की डिपेंडेंस किस पे है, तो K की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है, उसके अलावा K की वैल्यू किसी भी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।